मधेपुरा एगो भोसरीपुर गांव है। मधेपुरा एगो भोसरीपुर गांव है। तो यदि हस्बैंड को छोड़कर तो नहीं भाग सकती है? नहीं भागना चाहिए। यदि भागी तो भागी कहाँ पर? कहाँ उसको? वहाँ पर टर्निंग पर छोड़े थे, वो टर्निंग है ना सेब वाला है ना, उससे आगे उसको बोले रुकने के लिए, बस हम यहाँ पे आए तब तक फिरार। कृष्णा यादव कैमरा के पीछे, ठीक लकी राज यादव है। और आज का वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आज का वीडियो में नाम है, वीडियो का नाम है ले भागा, मतलब लेकर भागा। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताना कैसा लगा, और मिलते हैं वीडियो के साथ। और वीडियो के साथ मिलने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलना। और छोलनी से दबाओ, कर्फ्यू से दबाओ, जिससे भी दबाओ, मगर भाई बेल आइकन घंटी को दबा देना। चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। ए बाबा, इधर किसी लड़की को देखे थे, ललका सा लहंगा पहनी थी, मेरी बीबी थी, उसको वहाँ पे रोके थे, देखिए ना वो भाग गई है। और रास्ते में अपने देखे थे, अभी आधा घंटा से ढूंढ रहे, मिलती नहीं है। भाभी वो हमने उसको वहाँ पे रोके थे, हम बोले आते हैं, अभी इधर हम आए, देखिए ना वो मिल ही नहीं रही है। दो तीन दिन पहले शादी हुआ था, पहचान जाइएगा। अब पहचान जाएंगे मगर मिलती नहीं ना, बहुत देर से आधा सार नहीं है। उसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए है। तो पकड़ कर शादी हुआ था, तो हमको संकट में पड़ गए हैं बाबा। मोबाइल बंद कर दिया, इसका मतलब उसका मन गड़बड़ है भागने का। वो तो बाबा मुझे भी वैसा ही लगता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए उसको रोके थे, हम बोले आते हैं, बस दो मिनट में हम वो कहीं निकल गई, मिल नहीं रही है कभी से। बस दो मिनट में हम वो कहीं निकल गई, मिल नहीं रही है कभी से। आप उधर देखे नहीं? हाँ मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। क्या हुआ बाबा? बाल में काला है, उसका मन गड़बड़ है। अच्छा, तीन दिन पहले शादी हुआ है, और पकड़ कर शादी हुआ था। ये मधेपुरा एगो भोसरीपुर गांव है। मधेपुरा एगो भोसरीपुर गांव है, उसी में शादी हुआ था। मेरा गांव हुआ इधर बसबिट्टी, सुपौल जिला है ना, सुपौल गांव के। हाँ बसबिट्टी गांव मेरा हुआ, मेरा हुआ। तो हम यादव है, यादव है। हाँ अब मेरे साथ इतना देखिए छल कपट कर लिया, मुझे समझ में नहीं आता क्या करें। आप शंका हमको हुआ है? क्या बोले बाबा? शंका है। अच्छा आपको शंका हुआ है, उसके पास गर्ल बॉयफ्रेंड है? हाँ कोई है। हाँ बाबा रास्ता में आ रहे थे ना, तो उसको देखे थे जो किससे ने बात किए थे, तो वो उसको बोले ना किससे बात करते, बोला भाई से बात कर रहे हैं। उसी से बात किया, लवर से। अच्छा लवर से बात किया था बाबा? हाँ लवर से किया था ना, वो आया होगा, आई देखा आई निकल गया। आप ही बताइए बाबा, आप क्या करें? हम इधर से आप आए हैं? हम मधेपुरा से चलकर सुपौल जा रहे थे बाबा। स्टेशन पर एक बार नहीं, स्टेशन पर हम गए थे आज आधा घंटा पहले, स्टेशन पर हर जगह हम ढूंढे गाड़ी से नहीं गुजरा, हम सोचे यहीं पर रुकते हैं, वो आएगी तो लेकर जाएंगे, वो आई नहीं रही है, तो कहाँ लेकर जाएंगे उसको। मतलब आपको भी बाबा शंका है जो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है? शंका हो रहा है। अच्छा बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है? अच्छा अच्छा करने में वो उसी
अच्छा गलती कर दिए बाबा हम। तो मेरे बाबा अब उस लड़की को घर में लेना अच्छा बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं अभी पूरा कंफर्म हो जाएगी। अच्छा नहीं तो बाबा भागी तो भागी कहाँ, कंफर्म हो जाए तो यदि हस्बैंड को छोड़कर तो नहीं भाग सकती है। नहीं भागना, यदि भागी तो भागी कहाँ पर, कहाँ उसको वहाँ पर टर्निंग पर छोड़ देते, वो टर्निंग है ना सेफ वाला है ना, उससे आगे उसको बोले रुकने के लिए, बस हम यहाँ पे आए तब तक नाम तो वैसा ही है, भोसरीपुर गांव का नाम है मधेपुरा में। आदमी भी भोसरी है। आदमी भी भोसरी है, भोसरी है। हाँ आप सही बोले बाबा, आदमी भी भोसरी है, हाँ आप सही बोले बाबा। तो बाबा उसको तो हम ढूंढते हैं, मर एक तुमको मन करने का था, पकड़ कर शादी कर लिया, उधर शादी करने का मन नहीं कर रहा था। गांव का नाम ऐसा गलती, कितना गंदा गांव का नाम है, भोसरीपुर गांव का नाम है बाबा, इसके लिए उधर शादी करने का मन नहीं था, तो पकड़ कर शादी कर लिया। ऊपर से देखिए ना लॉटरी मतलब कन्या ही भाग गया, पकड़ कर शादी कर लिया, ऊपर से देखिए ना लॉटरी मतलब कन्या ही भाग गया। भाग गया तो क्या अपने बूझे, हाँ बाबा भाई मोहब्बत से बीचू नाराज हुआ। पता नहीं बाबा, वो तो उस लोग का परम दो दिन शादी का हमको उतना थोड़ी पता होगा उसके घर में क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए लोग भी तो बूझेगा, भाई तो बूझेगा, घर वाला का छोड़ करके भाग गया, वो भी तो पता लगाएगा। हाँ वो भी पता लगाएगा अपना बेटी को कहाँ गई है। हाँ उसको कुछ भनक होगा लवर पर। अच्छा लवर पे भनक होगा। हाँ भनक होगा तो उसको रेस करेगा वहाँ पर। अच्छा मरने का होगा वो। हाँ उसी गांव का होगा उसका लवर, उसी गांव का होगा। हाँ उसी गांव का होगा। हाँ हाँ सही बोले आप बाबा, उसी गांव का होगा, अगले बगल का होगा। हाँ बाबा भाई पकड़ लेगा, जब ये आपका फोन जाएगा ना। हाँ बाबा उसका आपका फोन उठाएगा तो जो कहेगा तो आप कीजिएगा, कहेगा आप आइए। हाँ आप जाइएगा, हाँ बदमस्ती नहीं करे, बोलेंगे तुमको इसके साथ अंदर आ जाओ। हाँ। का शादी की पहला हाँ। मतलब शादी कर लिया है बाबा ना। हाँ शादी किया, अगर तुम हटिया को सब बात पूछिएगा, अगर तुमको अपने लवर के पास रहना है हाँ। तो कोई बात नहीं, तुम अपने लवर के पास रहो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम अपने लवर के पास रहो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। हमको कह दो हम चले जाएंगे। हाँ बाबा क्या करके पूछ, वही करना पड़ेगा बाबा। और लगभग तो बुलाइया के साथ हम कर देंगे आपको। इसके लिए बाबा शादी हुआ था ना मेरा बाबा, तो वो मेरे पास नहीं आती थी, दो दिन हम वहाँ पर रुके थे, मेरे पास नहीं आती थी वो, मतलब एनी टाइम बाहर ही रहती थी। दो दिन हम वहाँ पर रुके थे, मेरे पास नहीं आती थी वो, मतलब एनी टाइम बाहर ही रहती थी। अगर ये नहीं मिलता है और फोन नहीं उठाता है तो उसके भाई को फोन कीजिएगा, ठीक है। रात में वेट कीजिए और सामने तक उसके भाई का मोबाइल लगे, हाँ उसको अपनी इन्फॉर्मेशन अवश्य कर दीजिए, ठीक है। वो हम देखते हैं जाते हैं, ठीक है ठीक, चलते हैं। दोस्तों आप लोग तो देख ही लिए जब बाबा से मिलकर कितना ही मज़ा आया, और टोटल बात बाबा से हो गया और पूरा रोमांटिक बात हुआ था बाबा से, जो हम बताए थे शादी किए थे मेरा बीवी भागी, तो बाबा एक एक रिपोर्ट खोल दिया उसके बारे में। तो आप लोग वीडियो को देखकर कमेंट में बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ बेल आइकन घंटी को भी दबाना मत भूलना, और या हथौड़ी से हो या चम्मच हो प्लीज़ भाई दोस्त घंटी को ज़रूर दबा देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।